more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. तो हम प्रियंका चोपड़ा की शादी से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आपसे फैंस को देते ही रह रहे हैं। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि कैसे कल था प्रियंका और निक जोनस का दिल्ली में रिसेप्शन, जहां इन दोनों के इस रिसेप्शन में हमें कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ साथ पीएम मोदी भी नजर आए थे। तो वहीं आपको बता दें कि अब एक और खास बात प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी रिवील हो गई है। जी हाँ, जहाँ प्रियंका चोपड़ा निक जोनस के वेडिंग लुक्स आउट हो गए हैं और फैंस भी इन दोनों के वेडिंग लुक्स को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रियंका निक जोनस की पहले शादी वेस्टर्न रीति रिवाज से हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका निक की शादी हुई थी हिंदू रीति रिवाजों से, जिसमें आपको बता दें कि प्रियंका ने पहना था सब्यसाची का लहंगा, साथ ही साथ निक जोनस ने भी सब्यसाची की डिजाइन की हुई शेरवानी पहनी थी। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका के इस रेड लहंगे में काफी खास बात थी, और वो खास बात ये थी कि सब्यसाची के इस लहंगे को बनने में 3720 घंटे लगे थे। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के इस पूरे ब्राइडल वाले लुक यानी कि ब्राइडल वाले लहंगे को रेडी होने में 3720 घंटे तो लगे ही थे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि प्रियंका के इस लहंगे में था उनके पति यानी कि निक जोनस का नाम। आपको बता दें कि निक जोनस का हिंदी में नाम लिखा गया था इस लहंगे के ऊपर। वेल, प्रियंका चोपड़ा से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.